बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शादोआबाद रखे और आप सबके घर के दस्तरखानों को हमेशा भरा हुआ रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे साबूदाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खीर, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये मिनटों में तैयार हो जाएगी और इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि पूरी गर्मियों आप इसे बनाकर बच्चों और बड़ों को खिला सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में साबूदाने का इस्तेमाल मैदे और जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए जल्दी से मज़ेदार सी साबूदाने की खीर तैयार करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बराबर में ही बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप बिल्कुल फ्री में देखेंगे। तो साबूदाने की खीर बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद हमने लिया है हाफ कप साबूदाना, जिसको एक बार इस तरह साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। और फिर दोबारा से इसे साफ़ पानी के साथ भिगो कर रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि साबूदाने को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे छलनी से छान कर एक सॉस पैन में डाल देंगे। फिर इसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे और फिर मीडियम हीट पर इसे पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर में साबूदाना पक रहा है, हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर लेंगे। और इसको भी तकरीबन 1/2 कप दूध के साथ भिगो कर रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद जब साबूदाना इस तरह का पानी में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, तो पहले इसे हम स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर कवर करके स्लो हीट पर इसे पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। ये देखिए, जब इस तरह का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि साबूदाना बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। फिर हम इसमें पहले से उबला हुआ 1/2 लीटर दूध शामिल कर देंगे। देखिए, दूध की मात्रा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़े से कटे हुए बादाम शामिल करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। और कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही उबलने देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, आप कम या ज़्यादा इसमें मिक्स कर सकते हैं। कुछ मिनट पकने के बाद हमने जो दूध के साथ राइस फ्लोर को भिगोकर रखा था ना, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हमने इसमें शामिल करने के लिए 1 कप शुगर ली थी, जिसमें से थोड़ी सी बचा ली थी, लेकिन हमें बाद में मीठा कुछ कम लगा तो हमने वो बची हुई शुगर भी इसमें शामिल कर दी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर शामिल कीजिएगा। शुगर शामिल करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक स्लो हीट पर पकने देंगे। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर देंगे ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा यम्मी लगे। आखिर में साबूदाने की खीर को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें 4 टेबलस्पून के करीब पैकेट की क्रीम शामिल कर देंगे। आप पैकेट की क्रीम की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस क्रीम शामिल करने के बाद 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मैश करते हुए मिक्स करते रहेंगे। फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। अभी ये थोड़ी सी गर्म है, बाउल में निकालने के बाद हमने इसको बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम से मज़ीद गार्निश कर दिया। और फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे ठंडा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी आज की यमी सागुदाने से बनी खीर की रेसिपी, जो दिखने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है खाने में तो आपके घर वालों को अंदाज़ा ही नहीं हो सकेगा कि एक सागुदाने से बनाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़े से दूध के साथ आप पूरी फैमिली के लिए सागुदाने खीर का बड़ा बाउल तैयार कर सकते हैं, जिसे आप 2 से 3 दिन तक नाश्ते में बच्चों और बड़ों को खिला सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।